हेलो फ्रेंड्स, आरएनबी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रितेश आपके लिए लेके आया हूँ जुलाई के पहले हफ्ते का करंट अफेयर्स और 2020। चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि किस राज्य ने नौकरी खोजने वाले और नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल शुरू किया है। इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है वो सही है। चीफ इंडस्ट्री की यहाँ की बात करें तो वो BS येदियुरप्पा हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना PM स्वनिधि के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसका जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस मिनिस्ट्री की बात करें तो यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात करें तो वो हरदीप सिंह पुरी हैं। और यूनियन मिनिस्टर की बात करें तो वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वो 30 जून को मनाया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि किस टीम ने 2020 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो इसका जो सही आंसर है असम नंबर 1 में दिख रहा है, लिवरपूल जो है उसने इस टूर्नामेंट को जीता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुडनी जॉनसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आइसलैंड, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा। जो गुडनी जॉनसन है वो यहाँ की यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि तत्काल डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने स्विगी के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा, ICICI जो बैंक है उसने साझेदारी की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश है। किस मंत्रालय ने हाल ही में सपनों की उड़ान नाम से योजना शुरू की है? तो उसका जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो भारत के प्रथम प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन COVID-19 उपचार के लिए किस स्थान पर किया गया है? तो उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 न्यू दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कितने चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया है? तो जो 59 ऐप्स हैं चीनी, वो उनको प्रतिबंधित किया गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि किस IIT ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री शुरू की है? तो उसका जो सही आंसर है वो है IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर 2। इसको जो लॉन्च किया है वो HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि किस देश ने LPG व्यवसाय की 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो उसका जो ऑप्शन नंबर 4 है बांग्लादेश जो है वो सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो MSME एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत को क्या राशि प्रदान की गई है? तो वो है $750 मिलियन जो है उनको भारत को प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो उसका जो सही आंसर है वो HDFC बैंक द्वारा ये इसे लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका जो सही आंसर है वो है रविंद्र भाकर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो किस देश ने 2021 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बनाई है? तो जो न्यूजीलैंड है उसने मेजबानी करने की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो उसका जो सही आंसर है वो है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें पूछा गया है कि किस बैंक ने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज CAMS के साथ साझेदारी में इंस्टॉल लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है
वो है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। शशांक मनोहर के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इमरान ख्वाजा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के लिए भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंद्रमणि पांडे जो है उनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि भारत के वीनस मिशन का नाम क्या है जिसे 2023 के अंत में लॉन्च किया जाना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शुक्रयान 1। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है, जिसे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है, जारी किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, वी पट्टुभी राम जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि चीन में कौन से नए महामारी संभावित वायरस का पता चला है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, G4 वायरस जो है इसका पता चला है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वो July 2 को मनाया जाता है। रूसी मतदाताओं ने व्लादिमीर पुतिन को किस वर्ष तक देश के राष्ट्रपति के रूप में बने रहने की अनुमति दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, 2036 तक इनको अनुमति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 26, RBI के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 में की तुलना में मार्च 2020 में भारत की जो बाहरी ऋण के प्रतिशत में वृद्धि है वो क्या है? तो जो वृद्धि है वो 2.8% की रही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 27, किन दो बॉलीवुड अभिनेताओं को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन। क्वेश्चन नंबर 28, एडवर्ड फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 29, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मानवीय कार्य के लिए 2020 डायना पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेया ठकराल, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है फ्रेया ठकराल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस IDC 2020 को 4 जुलाई को मनाया गया है, IDC 2020 का विषय क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन नेशंस हैज प्लेस्ड इट्स बिड फॉर द 2027 एशियन कप? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में हम फिर से पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।